जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A31। आपको पता होगा कि रिसेंटली इसमें अपडेट आया हुआ था सैमसंग One UI 2.5 का, जहां पे आपको बहुत ही कमाल कमाल के फीचर्स मिले थे। लेकिन दोस्तों उसी अपडेट के बाद आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि यहां पे चार्जिंग का इशू आ रहा है। स्पेशली इस फोन को चार्ज करने में इस टाइम का जो टाइम पीरियड होता है 0 to 10 या 20%, वहां पे ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका चार्जिंग टेस्ट। हम देखेंगे कि 0 से 100% तक चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, साथ ही क्या 0 से 100% चार्ज तक में इस फोन में कोई हीटिंग इशू होता है। गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे Realme 7 की 2 बैक कवर का गिव अवे चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से जाके आप उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों Samsung Galaxy A31 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, साथ ही आपको 15W का बॉक्स में चार्जर मिल जाता है। हम चार्जिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहां पे टेंपरेचर चेक कर लेते हैं। तो अभी आपको सबसे पहले मैं यहां पे एडाप्टर का टेंपरेचर चेक करवा देता हूं, जो कि आप लोग देखेंगे यहां पे आपको 19.7 डिग्री, और साथ ही स्मार्टफोन के की बात करें तो आपको 20.9, और ये जो सरफेस है जहां पे हम इस फोन को रखेंगे उसके टेम्परेचर की बात करें तो 19.3 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है। तब क्या होगा कि इसके बाद हम लगाते हैं फोन को चार्जिंग में, देन हम बीच बीच में आपको टेम्परेचर भी चेक करवाते रहेंगे कि इतना चार्ज होने के बाद क्या फोन में कोई हीटिंग इशू हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने फोन को चार्जिंग में प्लग कर दिया, साथ ही मैंने यहाँ पे अपनी स्टॉप वॉच को भी ऑन कर लिया है। देन हम देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम लगता है चार्ज होने में। अभी फोन की बैटरी बिल्कुल डेड है, इसीलिए फोन ऑफ है। जब फोन 5% चार्ज हो जाएगा देन हम इसको ऑन करेंगे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या टाइम लगता है चार्ज होने में। आपको बीच बीच में अल्टरनेट इंटरवल में आपको बताते रहेंगे कितना टाइम लगा, क्या यहाँ पे फोन में हीटिंग इशू है या नहीं है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं 10% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, और 10% को चार्ज होने में लगा है 13 मिनट के अप्रॉक्स यहाँ पे टाइम लग गया है। और मैंने फोन को भी ऑन कर लिया है, जो कि वो स्विच ऑफ था। और यहाँ पे जो हमारा फोन है वो हमारे वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्ट है, तो जो कि आप डेली लाइफ में जिस तरह से चार्जिंग करते हो किसी के फोन में इंटरनेट ऑन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे एक बार टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो फोन का टेम्परेचर निकल के आया वो है 25.6 डिग्री सेल्सियस, जो कि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर, अभी तक कोई भी हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा जब फोन की चार्जिंग 20% कंप्लीट हो जाती है तब। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो 21% चार्ज होने में टाइम लगा वो लगा है 30 मिनट। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका चार्जिंग टाइम निकल के आता है काफी एग्जैक्ट है। लास्ट जो हमने यहाँ पे बैटरी टेस्ट का वीडियो बनाया था उससे थोड़ा सा जल्दी ही अभी चार्जिंग आपको देखने को मिल रहा। मैं यहाँ पे इसका एक बार फिर से टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर भी नॉर्मल है 28.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपकी जो चार्जिंग स्पीड है काफी कमाल की निकल के आ रही है, और जो आपको बता रहा है कि फुल चार्ज होने में 1 hour 56 minutes और रिमेनिंग है, तो अप्रॉक्स आपका 2 घंटे 20 से 25 मिनट चार्जिंग में लगने वाला है। 22% हो चुका है, अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा 35% चार्जिंग कम्प्लीट होने के बाद। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं 46 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं चार्जिंग को, और यहाँ पे हमारा फोन चार्ज हो चुका है 35%, जो कि काफी अच्छा टाइमिंग निकल के आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी A31 में। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर है एग्जैक्ट 29 डिग्री सेल्सियस, जो कि काफी एक्यूरेट टेम्परेचर, यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो इसका मैंने आपको बताया कि चार्जिंग टाइम है 1 UI 2.5 के बाद काफी ठीक ठीक चार्जिंग टाइम निकल के आ रहा है। अब मैं आपको मिलता हूं जब इस चार्जिंग टाइम को 50% कंप्लीट हो जाते हैं, जब हमारी बैटरी 50% चार्ज हो जाती है, देन हम आपको बताते हैं कि कितना टाइम लग गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो यार तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, वहां भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमको वहां पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं 1 घंटे 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं 6 मिनट, और यहाँ पे हमारे फोन की बैटरी भी 50% चार्ज हो चुकी है, यानी आधी बैटरी को चार्ज होने में 1 घंटे 5 मिनट का टाइम लग गया। उसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो हमारे फोन का टेम्परेचर वो 31.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन जब स्टार्टिंग से अभी थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, बट आपको इतना टेम्परेचर फील नहीं होने वाला है। और जो हमारी चार्जिंग टाइम निकल के आ रही है वो भी काफी अच्छी टाइम में फोन को चार्ज कर रहा है। तो अब मैं आपको मिलता हूं जब हमारी फोन की बैटरी 70% चार्ज हो जाती है तब। 1 hour 33 minutes कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे फोन की बैटरी चार्ज हुई है 70%, अभी भी 30% रिमेनिंग है, और उसके साथ ही यहां पे आपको शो हो रहा है
है कि अभी 1 घंटे और लगेंगे पूरी बैटरी को फुल चार्ज होने में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइटली अप डिले देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी टाइम लग गया इतना चार्ज होने में। लेकिन एक बार हम फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं फोन का टेम्परेचर कितना है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपका जो टेम्परेचर सो रहा है 31.3 डिग्री, जो कि एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको कोई भी हीटिंग देखने को नहीं मिली। फोन को भी टच करने पे हमारा फोन एकदम नॉर्मल है, कोई भी हीटिंग नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा फोन जो है वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक इंटरनेट ऑन है। मैंने एक नॉर्मल सी कंडीशन रखी हुई है। अब मैं आपको मिलता हूँ जैसे हमारे फोन की बैटरी 90% चार्ज हो जाती है तब। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं 90% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, और 90% चार्ज होने में हमारा टाइम लगा है 2 घंटे 9 मिनट। और यहाँ पे मैं आपको टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ कि इतना परसेंट चार्ज होने में, या आपका फोन जब इतना टाइम चार्ज होता है तो आपके फोन में हीटिंग होती है और आपके फोन का टेम्परेचर कितना रहता है। तो अभी जो फोन का टेम्परेचर है वो काफी नॉर्मल हो चुका है, जो कि है 25.8 डिग्री सेल्सियस। तो काफी नॉर्मल सा टेम्परेचर है अभी थोड़ी देर पहले तक, जो कि 30-31 गया था। और यहाँ पे आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा फोन का टेम्परेचर जैसे ही हमारी चार्जिंग कंप्लीट होती है। देन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कितना टाइम लगा, क्या इतना टाइम लगना चाहिए, और हीटिंग कितना हुआ, हमारा एडाप्टर हीट हुआ है कि नहीं, सारी डिटेल बात करते हैं फुल चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे 22 मिनट लगे इस फोन को पूरा चार्ज होने में। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 2 घंटे 22 मिनट कुछ 20 सेकंड लगा था इस फोन को फुल चार्ज होने में। आपको बता दूं इस फोन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा यार। लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट किया था तो 2 घंटे 38 मिनट 38 सेकंड लगे थे इस फोन को चार्ज होने में, लेकिन आज करीब करीब यहाँ पे 16 मिनट पहले ही ये फोन चार्ज हो गया। तो जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे इशू आ रहा है चार्जिंग का, तो आप लोग देख सकते हैं सब चीजें आपके सामने है, हमें ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा फोन हमारे वाईफाई इंटरनेट से भी कनेक्टेड था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ एक चीज और, मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी चेक करवा देता हूँ जिससे आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि पूरी चार्जिंग के टाइम में फोन का टेम्परेचर क्या रहा है। अभी आप लोग देख सकते हैं 24.6 डिग्री टेम्परेचर रहा हमारे इस फोन का, और साथ ही साथ जिस सरफेस पे हमारा फोन था उसका भी टेम्परेचर 23.9 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाता है, जो कि काफी ठीक ठीक है। यहाँ पे कोई भी हीटिंग देखने को नहीं मिलती। साथ ही साथ मैं आपको इस एडाप्टर का भी टेम्परेचर चेक करवा देता हूँ जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि पूरे चार्जिंग के टाइम में, यहाँ भी आप लोग देखेंगे तो 33.33 डिग्री सेल्सियस रहा इस एडाप्टर का टेम्परेचर इस पूरे फोन को चार्ज करने में। तो दोस्तों ये रहा कुछ डिटेल, आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया One UI 2.5 के अपडेट के बाद Samsung Galaxy A31 ने चार्ज होने में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।